भैया रेज्यूमे बहुत जगह दिया है लेकिन कॉल नहीं आता, भैया रेज्यूमे पर एक वीडियो बना दीजिए, भैया सही रेज्यूमे क्या होता है, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। उन सारे सवालों का जवाब ये वीडियो। आप अपने रेज्यूमे में सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है गलतियों की, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो मैं देखता हूँ कई सारे बच्चों के रेज्यूमे में देखता हूँ, जब उनका इंटरव्यू नहीं निकलता है तब उनसे बात करता हूँ, जब उनका इंटरव्यू निकलता है तब उनसे बात करता हूँ कि आखिर क्या चल रहा है। तो सबसे बड़ी गलती आपके रेज्यूमे में है कि आप अनवांटेड चीजें, अननोन चीजें डाल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप रेज्यूमे को फिल्टरिंग के लिए बना रहे हैं। फिल्टरिंग के लिए बनाने का क्या मतलब है कि आपने बोला यार रिएक्ट की जॉब्स है तो रिएक्ट तो मैं सीख लेता हूँ, तो रिएक्ट डाल देते हैं। ओ लोग को रिडक्स भी चाहिए, रिडक्स भी सीख लेता हूँ, रिडक्स डाल देते हैं। ओ लोग को एसक्यूएल भी चाहिए, अब तो इतना सीखा नहीं जाएगा बट एसक्यूएल भी डाल देते हैं। मोंगो चाहिए, मोंगो भी डाल देते हैं। एक्सप्रेस चाहिए, एक्सप्रेस भी डाल देते हैं। तो जो चाहिए रेज्यूमे पे कीवर्ड्स डाल देते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है? इससे प्रॉब्लम ये होता है कि रेज्यूमे भले उस कीवर्ड पे सेलेक्ट हो जाए और आपको बड़ी खुशी होती है कि यार कीवर्ड डाला तो सेलेक्ट हो गया, उसके बाद क्या समस्या होती है? उसकी समस्या ये होती है कि आपने एसक्यूएल डाल दिया, अब इंटरव्यूअर के पास आपका रेज्यूमे गया, आप गए, अच्छा रिएक्ट डाला है, रिएक्ट तो लेकिन मुझे नहीं आता, रिडक्स भी मुझे नहीं आता, एसक्यूएल मुझे आता है, एसक्यूएल का तो मैं स्टड हूँ, एसक्यूएल के बारे में ये बताओ। अब आपने क्या किया? आपने एसक्यूएल का मैं थोड़ा सा पढ़ा था उतना आपने उगल दिया, तो आपने स्टेज को सेट कर दिया। एसक्यूएल लिखा है, आदमी एसक्यूएल में हीरो है, आप एसक्यूएल में जीरो है। अब एसक्यूएल का सेकंड लेवल क्वेश्चन आया, थर्ड लेवल क्वेश्चन आया, फोर्थ लेवल क्वेश्चन आया और आप उसके सारे क्वेश्चंस में, समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि आपने बोला कि मुझे एसक्यूएल आता है, इसने समझा आपको आता है, इसने क्वेश्चन पूछा, आप नहीं बता पाए। इस ग्रहण की छाया आपके पूरे रेज्यूमे में पड़ गई। कैसे? वो बोला कि अगर इसने कहा कि एसक्यूएल आता है और इसे एसक्यूएल नहीं आता है, तो इसका मतलब इसने जो कहा है कि इसे रिएक्ट आता है, इसे रिएक्ट भी नहीं आता होगा, इसने जो कहा रिडक्स आता है, इसे रिडक्स भी नहीं आता होगा। तो अगर एक जगह झूठ बोल रहा है तो हर जगह झूठ बोल रहा है, और आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आपने अपने हिसाब से एसक्यूएल की पढ़ाई की थी, थोड़ा मोड़ा सीखा था। लेकिन मैं बार बार क्या कहता हूँ कि थोड़ा मोड़े से अब काम नहीं चलता, बहुत बहुत से काम चलता है। तो या तो SQL अच्छे से कीजिए, और SQL बस मैं एक टर्म लिया हुआ हूँ, एक फील्ड लिया हुआ हूँ, जरूरी नहीं कि वो SQL ही हो, वो DSA भी हो सकता है। अगर वेब डेवलपमेंट में करियर बनाना है, सिंपल जॉब चाहिए 3-5 लाख रुपए की, तो कोई जरूरत नहीं है आपको DSA सीखने की, मैं बार बार कहता हूँ। लेकिन आप स्टड बने, आपने DSA भी सीखा, खूब सारा DSA भी कर लिया। खूब सारा का क्या मतलब है? थोड़ा बहुत कर लिया, क्योंकि कितना करोगे, आपको भी जॉब में जाना है। तो आपने बोला यार अब तो मुझे DSA भी, स्टैक, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स तो मुझे समझ में तो आ रहा है, तो ऐसा करते हैं डाल देते हैं रेज्यूमे में। सामने वाले ने पूछा आपको आता है, आपने कहा हाँ आता है, फिर आप वहीं फंस गए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज का गेम आप पर्सनलाइजेशन पे खेलो। जो आता है वो बहुत अच्छे से आता है, और जो नहीं आता है उसमें साफ साफ बोल दीजिए कि नहीं आता है। हाँ हाँ, एक 1/10, 2/10 ये सब रेज्यूमे पे मत कीजिए, ये सब इंटरव्यूज में मत कीजिए, क्योंकि एनफ जॉब्स हैं। ये समझिए पहली बात कि बहुत सारे जॉब्स हैं बैकएंड के लिए, बहुत सारे जॉब्स हैं फ्रंट एंड के लिए, बहुत सारे जॉब्स हैं एंड्रॉइड डेवलपर के लिए। तो अगर आप एक स्पेशलिस्ट वाले जॉब के इंटरव्यू में चले जाते हो और आपने उसमें प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपने उसके कोड को गिटहब पे डाला है, तो उस पे बात करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे और बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे और आप हायर भी हो जाएंगे। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं यार, 3 साल से हजारों बच्चों को इन चीजों में जॉब लगाई है ना, तो पता है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, रेज्यूमे देख के लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो ये स्प्रे एंड प्रे होता है ये टर्म, ये मत करो। इसका मतलब होता है कि सब जगह रेज्यूमे और कहीं से कॉल आ गया तो फंस गए। क्यों कर रहे हो ऐसे? जो पढ़ो सही से पढ़ो, उसके में प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें डेप्थ बनाओ, उसमें लकीर को लंबी करो, उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए जाओ रेज्यूमे लेके। और रेज्यूमे में कम चीजें लिखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, पर जो आए वो बहुत अच्छे से आए, जो नहीं आए उसके बारे में बात ही मत करो। क्योंकि एक और प्रॉब्लम है, हमने बचपन में एक कहानी सुनी है ना, कौन सी कहानी बताओ? रंगा सियार की कहानी। जिन लोगों ने नहीं सुनी होगी बचपन में, मैं सुनाता हूँ रंगा सियार की क्या कहानी है। तो एक सियार होता है, वो जंगल में जा रहा होता है, एक पेंट रखा रहता है, तो पेंट के पास देखता है जैसे कि क्या है क्या है, और पेंट उसके ऊपर गिर जाता है, तो वो नीला हो जाता है, पूरा पूरा ब्लू हो जाता है रंग। अब सियार तो ब्लू होते नहीं, और ब्लू बढ़िया चमक रहा होता है उसका, तो जंगल में जाता है, सब बोलते रहे ये कौन है कौन है कौन है, अरे ये कौन सा नया जानवर आ गया। तो सियार बोलता है कि मुझे भगवान शिव ने भेजा है, मैं यहाँ का नया राजा हूँ। शेर आता है, शेर भी बोलता है अच्छा तो भाई बहुत ही यूनिक है, ठीक है शिव ने भेजा है, तो हम लोग सब बैठ जाते हैं। तो एक सभा लगती है, शेर भी नीचे बैठ जाता है और सब लोग नीचे बैठे रहते हैं, और ये सियार जो है अपना राजा बना रहता है। पर सियारों की एक प्रॉब्लम होती है कि पूर्णिमा के दिन या किसी दिन ऐसे करते हैं,
ऐसा करते हैं, ठीक है। तो जैसे वो दिन आता है, सभा लगी रहती है, सब सीआर करने लगते हैं। अब ये रंगा सीआर बेचारा बहुत ही कोशिश करता है कि नहीं नहीं मेरा राज खुल जाएगा, नहीं करूं, लेकिन आदत से मजबूर तो करता है, और करता है तो शेर समझ जाता है कि भैया है तो ये सीआर बस नीला कलर का है। एक जंप, एक हाथ और सीआर की कहानी खत्म। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही ना कि अगर आप गलती से रंगे सीआर की तरह आप गलती से राजा बन भी जाएं, अगर जॉब में पहुंच भी जाएं, तो दिक्कत क्या है सामने वाले को? उसने आपको हायर किया है। हर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में 15 से 90 दिन का एक प्रोबेशन पीरियड रहता है, जिसमें वो आपको विदाउट कॉज, विदाउट नोटिस, विदाउट सेवरेंस फायर कर सकते हैं, कर देंगे। घुस जाओगे, नहीं आएगा किसी तरह से, यू नो, रंगा सीआर की तरह, इफ यू मेक योर वे इनटू इट, कोई फायदा नहीं, और वो रेज्यूमे पे कोई फायदा भी नहीं होगा। घर वाले दुखी अलग, आप दुखी अलग, हतोत्साहित अलग। तो सिस्टम को गेम नहीं करना है ना, रेज्यूमे का गेम नहीं खेलना है, एटीएस के साथ गेम नहीं खेलना है। इस थॉट से जब हम जाते हैं तो अपना करियर खराब करते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है रेज्यूमे पे, जो डालो सही से डालो। हाँ, मजबूरी है, लगता है कि कॉल नहीं आ रहा है तो क्या करें, कॉल नहीं आ रहा है तो क्या करें, सिंपल चीज है, प्रोजेक्ट्स बनाइए, सीखिए और फिर ट्राई कीजिए। अब वहां पर भी कुछ बच्चे गलती करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट होस्ट करते हैं, प्रोजेक्ट का डिटेल भी रेज्यूमे में डालते हैं, बहुत अच्छा, बहुत सही, पर टेस्ट यूजर्स बना के नहीं डालते हैं। अब आपका कोई प्रोजेक्ट देखने आया है तो वो क्यों साइन अप फ्लो में जाएगा? आप अपने गिटहब पेज पे, रीडमी पे, कहीं पे भी डाल दो कि यार ये टेस्ट यूजर है, टेस्ट यूजर 123, और उसका पासवर्ड है टेस्ट यूजर 123, ताकि वो पूरा फ्लो देख सके। इसमें बच्चे कुछ और भी गलती करते हैं कि जो ट्यूटोरियल में दिया रहता है एकदम ही छाप देते हैं। देखो, छापने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, छापो, बिल्कुल छापो, सीख के छापो और भी अच्छी बात, लेकिन उसके बाद 1-2-3 फंक्शनैलिटी अपने ऊपर से ऐड कर दो। देखो, अगर ई कॉमर्स बना रहे हो तो तुम्हें प्रोडक्ट मैनेजर होने की जरूरत नहीं है ई कॉमर्स के 1-2 फंक्शनैलिटी और ऐड करने के लिए। इतना ई कॉमर्स यूज करते हो, तुम्हें भी पता है, और जहां तुमने उसको एक्सटेंड किया है, अगर तुमने ईमानदारी से ये बात वहां लिख दी अपने गिटहब रीडमी पे, अपने प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में, कि ये मैंने यहां से सीखा है, या ये मैंने सीखा है, इसके ऊपर मैंने ये 4 फंक्शनैलिटीज ऐड की हैं, मैंने इनफाइनाइट स्क्रॉल खुद से ऐड किया है, मैंने इसका बैकएंड खुद से ऐड किया है, मैंने इसमें टेस्ट और टाइपस्क्रिप्ट खुद से ऐड किया, बहुत इंप्रेसिव होता है। ईमानदारी को हम वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि झूठ बोल के उसका वहां हो गया, इसका वहां हो गया। बट अगर अच्छा जॉब चाहिए, सही जॉब चाहिए और सही करियर बनाना है, तो मेहनत करके जब ईमानदार हो गए, ऐसे ईमानदार होने का कोई फायदा नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ईमानदार हूं, जॉब दे दीजिए, क्योंकि तने भैया ने कहा था ईमानदार होने का फायदा है, नहीं, मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, उसके बाद जब आप ये चीजें कहोगे कि ये तो मैंने सीखा था, ये तो मैंने सीख के बनाया हूं, लेकिन इसमें ये 4 चीजें मैंने ऐड की है, उफ, उसका इतना वैल्यू होता है एक इंटरव्यू में, आप मानोगे नहीं। तो ये ट्राई करके देखो ना, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि यही रेज्यूमे सब जगह बनाओ, लेकिन पहले कुछ सीखो, झूठ बोलना बंद करो, और उसके अराउंड उस पे चीजें ऐड करो, टेस्ट यूजर ऐड करो। आपको अपने इंटरव्यूअर के तरफ से सोचना है ना, उसकी लाइफ को सिंपल बनाना है, उसका काम क्या है। देखो, उसे इतने रेज्यूमे आते हैं, उसे एक रेज्यूमे चाहिए जो सही सही बोल रहा है, जो वो दिखा पा रहा है। अब उसने देखा कि अच्छा, रेज्यूमे में ये रिएक्ट, रीडक्स, टाइपस्क्रिप्ट, टेस्टिंग वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, सही लग रहा है, इसको बुलाते हैं, अरे इसमें प्रोजेक्ट्स भी हैं। अब उसका काम बस इतना है कि जो प्रोजेक्ट बने हैं वो आपने बनाए हैं कि नहीं, और आपने बनाए हैं का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने टेपे हैं, बनाए हैं का मतलब है कि आपको आता है, और आपको आने का सबसे अच्छा डेफिनेशन तभी होता है जब आप उसमें और फीचर्स ऐड कर पाते हैं। अगर आपने फीचर्स भी उसके ऊपर ऐड किए हैं तो उसको और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है, ये नेटफ्लिक्स क्लोन तो मैंने बहुत देखा है, लेकिन इस नेटफ्लिक्स क्लोन पे इसने जो 4-5 चीजें की हैं, जो ऑप्टिमाइजेशन की हैं, ये मैं पहली बार देख रहा हूं, और उन चीजों के ऊपर वो आपका इंटरव्यू लेकर बस इतना इंश्योर करना चाहता है कि जो आप कह रहे हो क्या आप वही हो, आप रंगे सीआर तो नहीं हो। इतना सा काम है, अगर आप ये इंश्योर कर दो तो जॉब लग जाती है, इंटरव्यू निकल जाता है, लेकिन हम इतना भी नहीं करते, और कितनी सारी गलतियां करते हैं। आप इनमें से कौन सी वाली गलती कर रहे थे, ईमानदारी से कमेंट में बताते जाना, ताकि दोबारा वो गलती कभी ना करो। एक और गलती हम करते हैं कि हम सीख जाते हैं चीजों को, बहुत अच्छी बात है, हमने प्रोजेक्ट बना लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसके अराउंड जो इंटरव्यू क्वेश्चन है कई बार उसको पढ़ के नहीं जाते। कर लो यार, सिर्फ इतनी मेहनत की है, 6 महीना लगाया है, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, टेक्नोलॉजी सीखा है, तो गूगल कर लो टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस इन रिएक्ट फॉर फ्रेशर्स, ये सारे आंसर्स पढ़ लो, एक बार पढ़ लोगे, क्योंकि तुमने बनाया है, तुम्हें समझदारी है ही, कीवर्ड्स क्या बोलने हैं वो भी सीख जाओगे, तो थोड़े कीवर्ड्स माइंड में रिटेन कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। इस मुगालते में मत रहो कि अब तो मैंने इतने प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं तो मुझे आना ही है, मुझे आता ही है, मेरे ऐसा कोई है ही नहीं, भैया ने कहा था कि कोई नहीं बनाता, हाँ कोई नहीं बनाता, इसीलिए आपको इंटरव्यू मिल रही है, इसीलिए आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो रहा है, इसीलिए आपके प्रोजेक्ट्स देखे जा रहे हैं, तो फिर
ये भी कर लो थोड़ा सा 20 इंटरव्यू क्वेश्चन जो रिएक्ट के होते हैं, अगर एसक्यूएल डाला है तो एसक्यूएल के होते हैं, एक्सप्रेस के, नोट जेएस के, जो भी आपने जो भी डाला है उसके टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चन थोड़ा रट लो। 10 दिन का काम है, 10 दिन में हो जाएगा। रटना तो हमें सबसे ज्यादा आता है। एक चीज जो स्कूल ने सिखाई है उसको क्यों ना यूज करें। अच्छा, एक और गलती मैं देखता हूं रिज्यूमे पे कि लोग बड़ा ये ऑब्जेक्टिव लिखते हैं इंग्लिश में, और क्या क्या लिखते हैं, मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं, वो सब कोई नहीं पढ़ता है कि आई वॉन्ट टू बी इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो ये करे वो करे। तुम हो कौन भाई, अभी तुम अभी क्या हो, अभी पहली जॉब चाहिए, फ्रेशर हो, किसी को उससे मतलब नहीं, तो क्यों रिज्यूमे का स्पेस वेस्ट कर रहे हो? मत वेस्ट करो। हाँ, इसलिए वेस्ट कर रहे हो क्योंकि पेज एक पेज के रिज्यूमे में डालने के लिए कुछ है ही नहीं, भरना है, तो दैट इज अ वेकअप कॉल। वेकअप करके वहां पे प्रोजेक्ट्स बनाइए और डालिए, लेकिन अननेसेसरी इन चीजों से अपना रिज्यूमे मत भरिए। एक और मैं गलती देखता हूं कि यार बड़े अनप्रोफेशनल से ईमेल एड्रेस होते हैं आपके, और क्यों ना हो, क्योंकि सब प्रोफेशनल वाले हमने ले लिए, पुरातन जमाने के लोगों ने अपना अपना ईमेल अच्छा ले लिया, तो आपके पास प्रोफेशनल ईमेल बचे नहीं। तो ऐसे अजीबो गरीब ईमेल्स जो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आपको अगर साउंड कर रहा है कि ये फनी है तो अपने ईमेल को भी सही कर ले। और एक प्रॉब्लम यहाँ मैं और देखता हूँ कि बहुत बच्चे मेरी ये बात सुन के प्रोफेशनल ईमेल बनाते हैं, लेकिन फिर उस ईमेल को चेक करना ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनका प्राइमरी ईमेल होता ही नहीं है। तो भाई देखो, सच बताता हूँ मैं तुम लोगों को, हमारा भी था, बहुत बचपन में हमने ईमेल बनाया था lovetanay@gmail.com, ठीक है, फिर समझ में आया भाई गलती हो गई, लव तने तो क्या ही होगा, तो फिर दूसरा ईमेल बनाया, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे ईमेल आ जाएंगे, पर वो प्रोफेशनल ईमेल पे शिफ्ट कर गया। अब तो मुझे लव तने पता भी नहीं कहाँ है, पासवर्ड भी नहीं है शायद, अब मेरे पास गायब हो गया, बेसिकली चला गया वो, ठीक है। तो ऐसी गलतियां यार मैं भी कर चुका हूँ, तुम भी कर रहे हो, फिर प्रोफेशनल ईमेल आता है तो उस पर शिफ्ट कर जाना। ये अनप्रोफेशनल ईमेल है बड़ी छोटी सी चीज, लेकिन लगती बहुत बड़ी। क्यों बहुत बड़ी लगती है पता, क्योंकि आप सोचते हो कि यार अगर इसने अपने ईमेल पे, अपने एड्रेस पे, अपने फॉर्मेटिंग पे, अपने कलर पे, कलर से याद आया कि यार देखो मतलब उसको मतलब पिकॉक मत बना दो, उसमें 15 कलर मत डालो, सिंपल रखो ना, एकदम सिंपल। गूगल पे जाओ, गूगल डॉक्स पे जाओ, एक रेज्यूमे का फॉर्मेट आता है, मैं पिछले 10 साल से वही यूज कर रहा हूँ, मेरे से कोई भी बोलता है तो मैं वही दिखा देता हूँ कि ये फॉर्मेट है ना, इतनी अच्छी फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट साइजिंग है, सब कुछ करके दिया है, यूज कर लो, क्या ही जरूरत है तुम्हें अपने से कलर फॉन्ट ये वो। देखो स्टैंड आउट नहीं करना, अननेसेसरी स्टैंड आउट नहीं करना है, स्टैंड आउट करना है अपने काम के थ्रू, अपने प्रोजेक्ट के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू। अपने रेज्यूमे को एकदम सिंपल रखिए, सादा जीवन उच्च विचार, और ये सब गलतियों से बचिए रेज्यूमे के ऊपर। अच्छा, एक और गलती करते हैं कि बिना मतलब में यार हॉबी वॉबी लिखते रहते हैं, किसको फर्क पड़ता है, हॉबी वॉबी मत डालो, किसी को नहीं चाहिए। एक पेज में ये बताओ बस, इस जॉब के लिए जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसके लिए मेरे पास क्या स्किल्स है, उन स्किल्स को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास क्या प्रोजेक्ट्स है, और उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए मैं कहां तक पहुंचा हूं, मेरे पास क्या डिग्री है, क्या पढ़ाई की है, बस एनफ है, बहुत है, मोर देन एनफ है। इससे ज्यादा अगर उनको चाहिए होगा, आपकी हॉबी उनको जाननी होगी, तो एचआर राउंड में पूछ लेंगे, वहां तक पहुंचेंगे तो देखा जाएगा। हॉबी से ओ ये भी पिट्टो खेलता है, मैं भी पिट्टो खेलता हूं, तो फिर इसको तो बुलाना चाहिए, ऐसा कोई नहीं करता है। दूसरी एक और चीज करते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा देते हैं, घर का पता, द्वार का पता, कौन से खटाल के पास है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल एक शहर लिख देने से काम हो जाता है, क्योंकि कोई आपके घर आके तो आपका इंटरव्यू ले नहीं रहा है, इतना डिटेल वहां देने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं और ईमेल के थ्रू पूरा प्रोसेस चलता है, तो अगर जरूरत हो तो आपसे पूरा एड्रेस मांगा जाता है, वो भी शायद ही कभी, उस समय आप उसे दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत बात का प्रोसेस है। तो रेज्यूमे को इस तरह से क्लीन रखना जरूरी है, आपको अपने रेज्यूमे पे देखना चाहिए कि क्या क्या अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है, उसको स्लिम ट्रिम करके, ताकि ध्यान कहां जाए, ध्यान दो ही चीजों पे जाए, स्किल्स के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और प्रोजेक्ट्स जब अगर इतना बड़ा रेज्यूमे है जो मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूं, उस फॉर्मेट में इतना बड़ा रेज्यूमे है, तो प्रोजेक्ट्स इतना जगह लेना चाहिए, स्किल बस मेंशन होनी चाहिए, स्किल का प्रूफ तो प्रोजेक्ट है ना, स्किल का प्रूफ प्रोजेक्ट है, और नीचे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। अगर प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, और उसके जो कॉलेज के जो बच्चों प्रोजेक्ट्स हैं जो सब बनाते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, वही आपका प्रोजेक्ट दिखेगा। तो वो चीजें मत करो, एजुकेशन सिचुएशन को थोड़ा रखो, ताकि उसके CGPA पे, कॉलेज के नाम पे, इन चीजों पे कोई इंडेक्स ना करे, इंडेक्स आपके प्रोजेक्ट्स पे करे, आपके स्किल्स पे करे, और आपके क्लीनिनेस पे करे, ये दिखे कि हाँ देखो अगर ये इंसान अपना रेज्यूमे इतना अच्छा से रखता है तो ये अपना काम भी इतने अच्छे से ही करेगा, और अपना कोड भी, अपना एक्सेल फाइल भी, अपने टेम्पलेट्स भी, सब कुछ इतनी सफाई से रखेगा, ये देना है आपको, ये आपको दिखता है ना। आप किसी दुकान में भी जाते हो, किसी शोरूम में जाते हो, शोरूम चमकता रहता है, अच्छा लगता है, आपको फीलिंग आती है हाँ सही जगह है, मतलब अगर ये शोरूम अच्छे से
रखे हैं तो हमारा सामान भी अच्छे से डिलीवर करेंगे। यही होता है, सब जगह होता है। पर जाते जाते मैं एक बार फिर से ये बात बोलना चाहता हूँ कि अननेसेसरी कीवर्ड्स जस्ट टू गेट एन इंटरव्यू मत डालो, उसका कोई फायदा नहीं है, फंस जाते हो उस चीज के अंदर। और आती हुई चीजों के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, और जो चांस था आपके पास कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं वो भी हाथ से निकल जाता है। तो बस ये चीजें मत करो। रंगा सियार नहीं बनना है, ईमानदार इंसान बनना है, क्योंकि ईमानदार इंसान ईमानदारी से जब मेहनत करता है तो विद टाइम लकीर इतनी लंबी हो जाती है कि जॉब लग जाती है उसकी। मजा आया तो एक कमेंट डालते जाना, लाइक करते जाना, शेयर करते जाना और सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी और भी जो करियर में आप मिस्टेक्स कर रहे हो वो आप ना करें, आगे की वीडियोस आपको हेल्प करे उसके लिए।